वीर वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर फाइनेंस जनाब रेहान यासीन साहब को खुशामदीद कहूंगा। हमने ये देखा कि सरकारी सतह पर काम होता हुआ नजर आया, किस हद तक हुआ, क्या हुआ, ये एक अलहदा बहस है। इस वक्त आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कोरोना वायरस के लिए खसूसी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टेस्ट पूरे साल आलमगीर ने किए, तो थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो शकील भाई, बहुत दिनों बाद आपका रेडियो पाकिस्तान पर सुन रहे हैं और लोग भी सुन रहे होंगे और हम देख रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं आपको। बात यह है कि पाकिस्तान ने इस वबा पर बहुत हद तक काबू पाया, लेकिन मैं समझता हूँ उसमें अल्लाह का फजल बहुत था, और अगर अल्लाह ताला का फजल शामिल हाल ना होता तो जिस तरह से हम कर रहे हैं, हम मस्जिद में 3-3 फीट के फासले से होते हैं लेकिन जब गेट से निकल रहे होते हैं तो बॉटल नेक बना लेते हैं, हम बस में जो है अलग अलग बैठे हुए होते हैं लेकिन जब गेट से निकल रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे से पहले निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तआवुन से आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो PCR जो है बिल्कुल फ्री कर रहा है पूरे शहर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी कहेंगे कि जी रिपोर्टिंग जो है उसको थोड़ा सा फास्ट कर लें, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो 6-6 दिन लेट हो गई थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के उस पर आ गई है, लेकिन कोशिश प्लीज़ ये करा जाए, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोग सुन रहे हों इसको तो वो करें। उसके अलावा हम जो है इसका दूसरा टेस्ट जो है एंटीजन, वो पाकिस्तान में सबसे कम कीमत पर हम कर रहे हैं, और हमारी जो रेट है वो 1420 रुपए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को फायदा पहुंचे। ठीक है, और अगर जो 1420 रुपए नहीं दे सकता उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, ये बात भी हम वाज़े करते हैं। तीसरा एंटीबॉडीज हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं चले आप आगे सवाल करेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं गुजारिश करूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट को ये चाहिए कि हॉस्पिटल्स जो है उनके लिए कुछ आगे हिदायत जारी करें। अच्छा रेहान यासीन साहब, हमने ये देखा कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने कोविड के दिनों में भी अपनी ओपीडी को बंद नहीं किया, जिगो के उस वक्त तमाम ओपीडीज बंद हो चुकी थी, और आपका जो 500 से ज़्यादा फिगर है ओपीडी का, तो उस हवाले से बता दीजिएगा कि क्या उस वक्त भी लोगों को डायग्नोज किया गया कि आपको कोरोना वायरस की तशखीस है या अलामत हैं? जी बिल्कुल, हम तो इस पर यह कहेंगे कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बिल्कुल, बात यह है कि लोगों को कोरोना के अलावा भी बहुत सारे अमराज ऐसे हैं कि जिनकी वजह से लोग जो हैं वो खुदा ना खास्ता मसाइल का शिकार हो सकते हैं या खुदा ना खास्ता मौत का शिकार हो सकते हैं, और उसमें हाइपरटेंशन है, लोगों को मुसलसल अदवियात चाहिए होती हैं ब्लड प्रेशर की, या जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए, या जो TB के मरीज़ हैं उनके लिए, या शुगर के मरीज़ जो हैं अगर उनको अदवियात ना मिले, तो आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने पहले दिन से ये कहा था। और देखें, मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है कि ये सब तक फैलेगा, हम सिर्फ ये गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि एक साथ ना फैले, लेकिन हमारा मौक़िफ पहले दिन से ये है कि डॉक्टर्स जो हैं वो ये एक बीमारी है, और बीमारी को सही करने के लिए जो फोर्स है वो डॉक्टरों की है और पैरामेडिक्स की है, और इसी तरह जो जगहें हैं जो उनके छावनियां हैं उन फौजियों की यानी डॉक्टरों की, वो हॉस्पिटल्स हैं। तो लिहाजा अगर हॉस्पिटल जो हैं वो खाली करा दिए जाएंगे, डॉक्टर्स अपने घरों में बैठ जाएंगे, तो आप मुझे बताइए फिर इसका इलाज कैसे होगा, वो लोग जो मुश्किलात में हैं वो कैसे आगे उसको सही हो सकेंगे। ठीक है रेहान यासीन साहब, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट भी ऑक्सीजन सिलेंडर फराम कर रहा है, तो इस हवाले से थोड़ा सा तफसील बताइए। जी बिल्कुल, ऑक्सीजन सिलेंडर है, पल्स ऑक्सीमीटर है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, CPAP BiPAP मशीन्स हैं, और इसके अलावा अगर ज़रूरत हो तो घर पे वो मॉनिटर सिस्टम वगैरह, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लोग इसमें डोनेट भी कर रहे हैं और लोग इसको अवेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से इस पे काम। अच्छा, तिब्बी आलात और भी हैं जो आपके यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मामूली रकम एडवांस रखने के बाद दी जाती है, लेकिन वो रकम वापस कर दी जाती है। जी, वो डिपॉजिट होती है, वो कोई किराया नहीं होता, वो इसलिए होती है कि फिर हम जो है ना वो फ्री जब होता है ना तो वो एक कदर नहीं होती, 50 वो एक उसका वो है कि फिर दो लूंगी सिलसिला होता है, तो फ्री जो चीज होती है वो फिर दो की डिमांड होती है, तो इसलिए जब पैसे देके होता है और अपनी चीज होती है तो फौरन वापस भी आती है और उसकी हिफाजत भी होती है, ये तमाम चीजें। ठीक है, अच्छा हमने ये भी देखा कि कोविड के दिनों में खाना पहुंचाने का काम जो है एक्सपो सेंटर में जब क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया तो वहां पर वाफिर मकदार में किया गया, क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? जी बिल्कुल, अभी भी जारी है, तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खाना अब तक पहुंचाया जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी हमारी जब बात हो रही थी उनके फूड चार्ज से, तो मैंने उनसे पूछा था कि और कौन कौन लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि बस आप काम कर रहे हैं, बाकी तो बातें कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने पहले दिन से वही काम किया है जो कर रहा है, और हम बातें कम करते हैं और कोशिश करते हैं कि काम करें,
तो जैसा उनकी ख्वाहिश होती है, अभी वो 25 दिसंबर के लिए चाहते हैं कि जो हमारे मसीही भाई हैं उनका जो पैरामेडिक स्टाफ है वो ये चाहते हैं कि उनके लिए सेलिब्रेशन हो उनके दिन की, तो उस सेलिब्रेशन में भी आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट उनके लिए उनके साथ है, जो वो चाहते हैं अच्छे जिस तरह के खाने चाहते हैं उनको फराहम कर रहे हैं। तो क्यों ना हम कोरोना की आगाही के हवाले से मुख्तसरन, चूँकि आप हमारे पास टाइम बहुत कम है, रेहान यासीन साहब चूँकि इंसानियत की खिदमत के लिए फील्ड में रहे और इस फील्ड में रहते हुए कोरोना का भी शिकार हुए, तो साहब आपने क्या जो टोटके थे वो इस्तेमाल किए या प्रॉपर इलाज किया? जी मैंने प्रॉपर इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, मतलब करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा, अरशे बरी पर वाली सूरत हाल मेरे साथ रही कि कोशिश ये कि लोगों ने बहुत साथ दिया। 13-14 मैं तकरीबन 7-8 दिन जो है आईसीयू में रहा, मुश्किल कैफियत थी मेरे साथ, मैं अच्छा खासा बीमार हो गया था। नहीं मैंने बिल्कुल नहीं डरा रहा, मैं बिल्कुल नहीं डरा रहा, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए तो मैं बहुत सारी बातें ओपनली नहीं कर सकता और के जाहिर है एक प्रोफेशनल शख्स हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एहतियात ज़रूर की जाए लेकिन लोगों को अछूत ना समझा जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं कि लोग जो है हमारे ख़ानदान में लोगों ने हमारे घर आना छोड़ दिया है बहुत, यानी अब तो 2 महीने हो गए उसको सारी चीज़ें हुए हुए, तो ऐसा ना किया जाए। और मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा कि ख़ानदान वाले लोग जो रुके हुए हैं वो सब मेरे पास आ जाएं, लेकिन मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि उनको अछूत ना समझा जाए। कोरोना ज़रूर फैलता है लेकिन उन लोगों की भी ज़रूरत है कि वो उनकी कोई एहतियात करें उनके साथ उनकी। ठीक है, अच्छा रेहान साहब हमने यहाँ ये भी देखा कि एक शख्स में कोरोना के मस्बत असरात पाए गए लेकिन किसी और फैमिली मेंबर में नहीं थे, तो क्या आपके साथ भी ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को नहीं हुआ, मैं एक ही बर्तन में हम खाना खा रहे थे, मेरी वाइफ को नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही बर्तन में खाना खा रहे थे, एक साथ बैठ रहे थे, एक बेड पर लेट रहे थे, एक कमरे में सो रहे थे, और इसी तरह जब हुआ तो वो उन लोगों को हुआ जो मैं तो इसके लिए मैंने अपने डॉक्टर्स जो हमारी टीम है उनको भी एक बात कहा कि हमारी जीन एक थी जिनकी, उनके साथ हुआ मुझे, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, ये अच्छा। सबको हुआ, मेरी वालदा को हुआ। अच्छा मेरे भाइयों की वाइफ, मेरे भाई की वाइफ को नहीं हुआ, मेरे बहनों के शौहर को नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक, ये भी एक रिसर्च में बात शामिल थी कि इस तरह से हुआ, और जिन लोगों को नहीं हुआ वो साथ साथ रहते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ। ठीक है सामने इकराम, प्रोग्राम गो के आज का मुख्तसर था और कोरोना के हवाले से हमने मुख्तसरन मगर पुरमक्स गुफ्तगु जो है वो आप तक पहुँचाई, बहुत अच्छा चला है। और रेहान यासीन साहब चूँकि हमारे यहाँ आते रहे हैं और आते रहते हैं और जब एक कॉल की जाती है तो फौरी तौर पर रिस्पॉन्स करते हैं, रेहान यासीन साहब ने आलमगीर की हवाले से खसूसी तौर पर गुफ्तगु की, चूँकि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट, जैसे कि मैं ट्रस्ट का नाम ले रहा हूँ, यहाँ कोई ये ना समझे कि मैं आलमगीर को प्रमोट कर रहा हूँ या रेहान यासीन साहब की तारीफ कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि वहाँ अगर कोई ख़ास बंदा या आम बंदा भी जाएगा तो उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा, इलाज मुआलजे की सहूलतें वही दी जाएंगी जो एक आम बंदे को और एक ख़ास बंदे को दी जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी मिसाल ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लोगों की फलाह के लिए यह इदारा काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर अदनान चिश्ती ने भी कहा कि उनका घरों पर रहकर जो लोग मरीज़ हैं उनका इलाज किया जा रहा है, अब वो चाहे 1 करोड़ हों या 100 मरीज हों, डॉक्टर अदनान चिश्ती उसको भी लेकर चल रहे हैं, और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो भी कोरोना के खिलाफ काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब हम लेंगे इजाज़त और इस उम्मीद के साथ कि आइंदा हफ्ते आइंदा नए मेज़बान के साथ ये प्रोग्राम फिर आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शकीलुद्दीन, प्रोड्यूसर इसियान बीबी बलूच।